राजस्थान की कोटा लालसोट हाईवे पर बुधवार को लाखेरी के पास मेज नदी में बस के गिर जाने से एक ही परिवार के 24 लोगों की मौत के बाद पूरा हाड़ौती शोक की लहर में दौड़ गया। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग सवाई माधोपुर शादी समारोह में शरीक होने जा रहे थे। इस दौरान लाखेरी के पास मेज नदी की पुलिया पर संतुलन बिगड़ जाने के बाद बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 24 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 जनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिनका इलाज जारी है। उधर जब अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकली तो 21 अर्थियों को देख पूरा शहर गमगीन हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस दुख की घड़ी में शव यात्रा में शरीक हुए। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर जो भी शख्स पहुंचा उसकी आंखें भर आई। वहीं जब सभी मृतकों के शवों को कोटा लाया गया तो पूरा शहर अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। हर शख्स के मुंह में एक ही बात निकली, ऐसी हत्या विदारक घटना कभी न हो। किशोरपुरा मुक्ति धाम पर अंतिम यात्रा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शरीक हुए और परिवार के लोगों का ढांढस बंधाया। बिरला विशेष विमान से घटना के तुरंत बाद दिल्ली से रवाना हुए और सीधे किशोरपुरा मुक्ति धाम पहुंचे। वहीं स्थानीय मंत्री शांति धारीवाल ने भी इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए पुलिया की मरम्मत और परिजनों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही। तो वही विधायक संदीप शर्मा भी विधानसभा से कोटा पहुंचे और अंतिम यात्रा में शरीक होकर संवेदनाएं व्यक्त की। इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना वो संग रह गया। हाड़ौती के तमाम जनप्रतिनिधियों सहित प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी इस दुख की घड़ी में परिजनों को ईश्वर से हिम्मत देने की कामना की और घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गहरा दुख प्रकट करते हुए घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।